देश में चुनाव हो और चुनाव महाराष्ट्र की धरती मुंबई, और बात करें अंधेरी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है। कई दिग्गज उम्मीदवारों के बीच एक ऐसे शख्स ने एंट्री कर दी है जिसके नामांकन मात्र से ही बाकी उम्मीदवारों के गले से पानी नहीं उतर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एसके बंजारा फाउंडेशन के अध्यक्ष और काफी टाइम से भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मनोज नायक को लोग मुंबई में एक अच्छे समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने अंधेरी विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवारी के तहत नामांकन कर दिया है। मनोज नायक लोगों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेते रहते हैं जो कि जग जाहिर है, इसीलिए काफी लोग उन्हें एक साफ सुथरी छवि का नेता मान रहे हैं। यही नहीं, मनोज नायक ने आकृति बिल्डर के सारे MIDC के अधिकारियों की मिली भगत से हुए घोटाले पर भी हाल ही में आवाज उठाई थी। सुनिए इस मामले में मनोज नायक का और क्या कुछ कहना है। सामने जाने का मुझे अपक्ष में जाना है या पक्ष में जाना है, विषय मेरा वो नहीं है। विषय मेरा है समाज का कार्य करते हुए आगे निकल जाना, और मैं पिछले कई 5-6 सालों से मेरे पूरे अंधेरी विधानसभा के अंदर में जो असेंबली में काम कर रहा हूँ, या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम लीजिए या धार्मिक कार्यक्रम लीजिए या फिर आप स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन से लेके हम हर क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो मुझे मेरी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे पूरे काम को सेवा के रूप में मुझे उम्मीदवारी में मुझे जिता के देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैंने आज फॉर्म भरना का दाखिल लिया है पक्ष में। देखिए, अंधेरी तो वैसे भी पूरे मुंबई के अंदर सबसे नंबर वन सीट रहता है हर जगह में, तो यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा लड़ते रहेंगे, हम लोग भी थोड़ा पीछे से लड़ाई लड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। काम और सेवा ही हमें जिताएगी। ठीक है, आपने एक लवे की कहानी सुनी होगी। मैं मोदी जी को मानता हूँ, मोदी जी को सुन के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था और जुड़ा हूँ अभी, लेकिन अगर अपक्ष में फॉर्म भरने के बाद अगर मुझे जाना होता है तो भी मैं मोदी जी को फॉलो करता रहूँगा और मोदी जी के ही मार्गदर्शन पर अपक्ष में रहते हुए भी काम करूँगा। मोदी जी मेरी नहीं, पूरे देश की प्रेरणा है, हर युवा की प्रेरणा है। भारतवर्ष के अंदर मोदी जी जब से हैं तब से भारत का विकास और सुशासन सब काबू में है। इसे आप पार्टी से बगावत नहीं कह सकते। पार्टी ने संगठन होने की वजह से यहाँ पर सेना को टिकट दिया है, और सेना हमारी दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जनता मेरी अपनी है, मुझे मेरी जनता से उम्मीद है, और पार्टी कोई भी रहने दीजिए, पार्टी अगर देती तो भी मेरे को इस बार अपना 5-6 साल का मेरे को पार्टी से भी मेरा प्रेम मेरे को रिटर्न ब्याज सहित चाहिए था, तो मैंने लड़ने का फैसला किया। ठीक है, जो सीनियर समय समय पे कार्रवाई करेंगे उसका भुगतान करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, सजा मिलेगी सजा भुगतेंगे, लेकिन जनता है आपको बिल्कुल, मेरे को मेरी अंधेरी विधानसभा की जनता के ऊपर इतना भरोसा है कि बिल्कुल भी मुझे निराश नहीं करेगी। समय जो भी होगा, निर्णय जो भी होगा, उसकी अपेक्षा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है कि जनता भरपूर मुझे सहयोग देगी। मेरा सबसे बड़ा विजन है जो अंधेरी के अंदर स्लम का एरिया है, मैं स्लम के एरिया को काफ़ी फोकस करता हूँ। वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको मुझे नहीं लगता है, मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ किसी आमदार ने ग्राउंड पे आके या नगर सेवक ने ये काम कर दिया हो। आज भी पानी वाले रुके हुए हैं, आज भी लाइट बिल रोका जाता है, लाइट मीटर नहीं मिलेगा ऐसा बोल करके नगर सेवक और आमदार ने कभी काम नहीं करता है। बिल्डर का हमारे यहाँ पर इतना तकलीफ है, अगर उस तकलीफ के लिए अगर कारपोरेटर अगर जिम्मेदार है तो आमदार भी उससे बड़ा जिम्मेदार है, तो ये दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और ये काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको छुआ नहीं गया है, लेकिन मुझे पता है कई स्कूलों को यहाँ पर संस्कृत स्कूल को संस्कृत हिंदी मराठी के अंदर इतना स्कूलों के अंदर बच्चों को डोनेशन की प्रवृत्ति में डाल दिया गया है, तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं हमारे पास, हम ग्राउंड पर जाके उसको ले लेंगे। मेरी अंधेरी विधानसभा की जनता से एक ही अपील है, सत्य देखें और सत्य को चुने। पैसा तो बहुत लोग बांटते हैं, खर्चा हो जाता है, लेकिन ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। मेरी लड़ाई सत्य के लिए है, मेरी लड़ाई गरीबी के लिए है, मेरी लड़ाई विकास के लिए है, और मैं खुद इन परिस्थितियों से निकला हुआ हूँ तो मुझे इस चीज़ की अनुभूति है, तो मैं हर आदमी का दर्द अपना दर्द समझ करके मैं विधानसभा में काम करने के लिए उतरा हूँ। नहीं, सभी लोगों ने अपेक्षा ये करते हैं कि वन साइडेड निकल जाए, उनको अपना कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन हम भी तो हमारी जनता का प्यार लेंगे ना। अगर हम नहीं लेंगे तो वो बोलेंगे तुम भी गिरवी हो, तुम भी बिकाऊ हो, तो मुझे ना कोई खरीद सकता है ना कोई मुझे गिरा सकता है।
ठीक है, जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद लेंगे चाहे जो भी रिजल्ट हो, लेकिन हम बिकने वालों में से नहीं है। फोन सबके आते हैं, समर्थन सब लोग मांगते हैं, अपक्ष में है तो समर्थन दे दो, ऐसा नहीं। यहाँ के इतिहास में, बम्बई के इतिहास में अपक्ष वाला जीता नहीं है, लेकिन इस बार इतिहास हम बदलने की कोशिश करेंगे।